का है भाई? का है भाई? हाँ, राम विलास के बाप बेटा। तो हम देंगे चिराग पासवान। आप चिराग पासवान का कैसे दीजिएगा? अब तो पार्टियां नहीं है उनके साथ। ऐसे मुंह चिबा के आप नहीं बोलिए। काहे नहीं बोले? चिराग जी तेरे खाए रह दे थे तो बात। अरे पशुपति जी, वो कथि किया है यहाँ पर आके? रामविलास जी के दिया हुआ था है? क्या किए? गलत बात है। नहीं तारा चाचा का हम नहीं कह रहे, उनका नहीं, उनको चाचा जो बोले है ना, वो बोले है तो ठीक है, मगर उनको हाजीपुर में नहीं आना पड़ेगा। ये बदाम साफे नहीं आना पड़ेगा उनको। अब हाजीपुर जिला में उनको टिकट, एगो टिकट नहीं मिलेगा, एगो वोट मिलेगा, कभी भी नहीं जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब आवेगा तो चिराग पासवान आवेगा। पशुपति जी का हम सब नहीं चिंते हैं। आप नहीं चिंते हैं? रामविलास पासवान के भाई आप नहीं चिंते? क्या बात है, सुनिए पहले। उनको नहीं चिंते हैं हम? रामविलास जी के चिंते हैं और चिराग पासवान के चिंते हैं। रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति जी, वो कुछ ना हत, कुछ ना हत। का नाम है? दीपचरण पासवान। पासवान जी, आपका पार्टी तो नहीं 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 तोड़ दिया। चिराग जी अलग, पशुपति जी अलग। नहीं, पशुपति जी गलती किए हैं, चिराग पासवान को हटा दिए हैं और वो गलती कर दी गए, इसलिए कि पशुपति जी जो है रामविलास का दिया हुआ है और बड़ी सुपुर सुल्तानपुर और हेला बाजार पासवान का बस्ती है और पासवानी के लेके वो चलते थे, बेसी गोद लिए हुए थे पासवान जी। हाँ। रामविलास पासवान जी गोद लिए थे और उनका अभी भी ईसुपुर में और सुल्तानपुर में हेला बाजार में इज्जत मिलता है, क्योंकि उन सब दिन यहाँ साथी किए। आप क्या कीजिएगा? आप तो आपका चिराग पासवान अलग हो गए, पशुपति जी अलग हो गए, आप पार्टी हो गया पशुपति जी का। पशुपति जी का बात सुनिए। वो जो है पशुपति जी जो है हाजीपुर जिला में, सुनिए, हाजीपुर जिला से ईसुपुर से ईसुपुर से और जो है से सुल्तानपुर और हेला बाजार हाजीपुर क्षेत्र से पशुपति जी कभी नहीं यहाँ आ सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, आप सुनिए, बात सुनिए, क्योंकि उनका रामविलास पासवान जी को उनका यहाँ ईसुपुर इलाका से सुल्तानपुर से हाजीपुर से उनका बेटा समझ के अथी वोट देता था आदमी, और अभी जो चिराग पासवान को हटा दिए हैं पशुपति जी, वो यहाँ कभी भी हाजीपुर में नहीं आ सकते हैं। कौन नहीं आ सकते? पशुपति जी, चिराग पासवान आवेगे। हाँ। उनका अब उनका अति है। हाँ। वो आ सकते हैं। हाँ। मगर चिराग अति पशुपति जी नहीं आ सकते हैं। अरे सर, पांच सांसद किनके साथ है? पांच सांसद है ना पशुपति जी के साथ? पशुपति जी के साथ ना है दिया किसका? आप तो अकेले रह गया। नहीं, अकेले नहीं ना रहेगा। कौन है चिराग? पहले बात सुनिए, कौन है चिराग के साथ? पहले बात सुनिए। हाँ। बात सुनिए, कौन है चिराग के साथ? पूरा जनता साथ है। हाँ, हाँ। पूरा जनता है, हाजीपुर के जिला का जनता है। हाँ, हाँ। आप देखो दे, पशुपति जी वो कथि किया है यहाँ पर आके? रामविलास जी के दिया हुआ था, क्या किए? क्या किए आप बताइए? आप बताइए, आपके साथ नहीं, आप जो है आप खोज रहे हैं चिराग पासवान का बाबूजी रामविलास पासवान जी जो थे वो जो किए हाजीपुर क्षेत्र के आज जनरल है, है? बड़े लाइन जो अथी बरौनी वाला बड़े लाइन बना है, अथी हॉस्टल बनवा दिए, कौन लाया था? है जनरल कौन लाया था इसे बताइए आप? आप बताइए, आप जनता? नहीं, हम जनता है तो हम बोल रहे हैं ना, उन्हीं का दिया हुआ है। आज वैशाली जिला जो है नंबर वन पर क्यों जा रहा है? ममता बनर्जी ले जा रहे थे अथी जोनल ऑफिस, है वो रोके क्यों? नीतीश जी को हम लोग वोट दिए, बीजेपी समझ के वोट दिए ना। नीतीश जी क्या किए वैशाली जिला के लिए? क्या किए? नीतीश जी पे बात नहीं करेंगे, छोड़िए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो उनके चाचा है उनका कहना है कि पार्टी जो है कमजोर हो रही थी इसलिए, और चिराग पासवान जो ताना सा हो गए थे। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। हाँ। नहीं तारा क्या चाचा का हम नहीं कह रहे, उनका नहीं, उनको चाचा जो बोले है ना, वो बोले है तो ठीक है, मगर उनको हाजीपुर में नहीं आना पड़ेगा। ये बदाम साफे नहीं आना पड़ेगा उनको। कहाँ नहीं आएंगे? नहीं आना पड़ेगा। कहाँ नहीं आएंगे? यहाँ चिराग पासवान आवे, अभी भी आ जाएंगे ना, तो उनको हाजीपुर जिला जो है वैशाली जिला उनको बेटा समझ लेगा, बाप लेखा बेटा समझ लेगा चिराग पासवान को। हाँ
हाँ चिराग पासवान को हाँ, हाँ। जैसे रामलाल जी को समझा गया था ना हाँ। उसी तरह का समझ जाएगा पशुपति जी को नहीं उनको कुछ नहीं वैल्यू करेंगे आपको अब दिक्कत क्या हो गया भाई दिक्कत का है काहे मुंह उनको अति किया गया है आज उन्हीं को रामलाल जी को दिया हुआ ना था जो इलेक्शन लड़े का वो अपना हाजीपुर वैशाली जिला को अति किए थे नहीं ना किए थे आज रामलाल जी मर गए तब का अलग हो गए अलग नहीं होना चाहिए नहीं पहले बात सुनिए एक मिनट एक मिनट पहले बात सुनिए आज रामलीला जी रहते ना वैशाली जिला को जितना अति समाधान दिए थे उतना पशुपति देंगे नहीं देंगे कोई नहीं देंगे एक चीज बताइए गए थे चिराग पासवान चाचा से मिलने दिल्ली पशुपति पारा जी से दरवाजा पे रह गए आधा घंटा खड़ा और अंदर गए तो रफू चक्कर हो गए प्रिंस और वो पशुपति जी मिलवो नहीं तो पशुपति जी जब भाग जा गए अब हाजीपुर जिला में उनको टिकट एगो टिकट नहीं मिलेगा एगो वोट मिलेगा वो कभी भी नहीं जिंदगी में नहीं मिलेगा जब आवेगा तो चिराग पासवान आवेगा एगो वोट नहीं दीजिएगा नहीं देंगे साफ बात खत्म है चाचा अपने का नाम महाको है नाम शिव शंकर सिंह तो आप किसको वोट कीजिएगा वोट चिराग पासवान काहे भाई हाँ रामविलास के बाप बेटा तो हम देंगे चिराग पासवान काहे हियाँ जल थल में पड़ा हुआ है लोग लांग के चल रहा है लोग आप चिराग पासवान का कैसे दीजिएगा अब तो पार्टियां नहीं है उनके साथ ऐसे मुंह चिबा के आप नहीं बोलिए काहे नहीं बोले सर पार्टी नहीं है उनका है? पार्टी अब चुनाव आयोग जाएंगे पार्टी अध्यक्ष हो गए पशुपति जी ये पूरा पासवान बस्ती है हाँ। अपने के हम भी पासवाने हैं नम्मा हमारा नाम ओम प्रकाश पांडे हमारा नाम चंद्र काला देवी तो अब हो गए रामविलास पासवान को तो आप जानते होंगे आपके सांसद थे अब उनका जो भाई है पशुपति जी और रामविलास पासवान का जो बेटा है चिराग जी दोनों अलग अलग हो गए आप लोग किसके साथ है महिला वोटर किसके साथ हम लोग हैं चिराग पासवान के चाची एलएल की सब चीज हम लोग को दे उनको बाबू जी तो हम लोग उन्हीं के आदमी है उन्हीं के आदमी उन्हीं के बाबू जी दिए हाँ और कोई उपाय नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं उनका रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति जी कुछ ना हता कुछ ना हते सांसद हती ना हियाँ के लेल हती हियाँ के ना हती कुछ ना हती ना अपने के ना चुन के वहाँ भेजनी 2019 में जिता के नहीं हम लोग उनको नहीं जीता हम लोग अपना सब दिन पासवान जी के दिए खाली रामविलास जी के चिराग पासवान रामविलास जी के नाम पे दिए हाँ उनको हाँ अब वोट नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा किनको मिलेगा चिराग पासवान के मिलेगा पक्का आप लोग गोसियाल कहला है पशुपति जी से हम लोग कहला गोसियाल उनसे उकाला ल त कौन सी ला हम लोग के कुछ है घर में ढुका के रखे कमाई तमाई सब बंद है सब चीज लख है ना सब चीज चल गेल है ना बच्ची के शादी ब्याह आदमी के हर चीज चल गया तो कहाँ हो रहा है नावा न लजाई था कहला नम्मा है नाम खदेरन पासवान लगा रहे हैं रामविलास जी के जो भाई थे ना पशुपति जी वो पार्टी तोड़ दिए हैं और रामविलास जी के बचवा के बेटवा के पार्टी से निकाल दिए हैं तो किसके साथ रहिएगा चिराग के साथ कि पशुपति जी के साथ चिराग के साथ रहेंगे चाचा जो है मोच पर अपना ताव दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चिराग पासवान को जो है यहाँ से किसको जिताएगा चिराग पासवान को यहाँ से जिताएंगे मेरा नेता जो है चिराग पासवान आपका नेता कौन है चिराग पासवान पशुपति जी नहीं आपका नेता चिराग पासवान पशुपति जी नहीं भाई उनको नहीं नहीं हो चचा ऐसा ही गुस्सा से कहा बात अरे खाना पीना देवे ना किया था घूस जाना चिराग जी तरह खाई ना दे थे अरे देखे सारा उनके अनाज मिल रहा है
हाँ हम लोग का सारा आदमी पशुपति जी का हम सब नहीं चिंते हैं। आप नहीं चिंते हैं राम विलास पासवान के भाई आप नहीं चिंते? क्या बात, क्या बात है, सुनिए पहले। उनको नहीं चिंते हम, राम विलास जी के चिंते है और चिराग पासवान के चिंते है। चिराग पासवान को चिंते है बस, दोनों भाई बाबा बेटा उनको चिंता है। साफ कहना है हाजीपुर जो बड़ी यूसुफपुर का इलाका है, साफ कहना है कि हम बस एक को पहचानते हैं। पहले पहचानते थे राम विलास पासवान को, अब पहचानते हैं चिराग पासवान को। वोट हम उन्हीं को देंगे, उसके अलावा और किन्हीं को देंगे नहीं। तो ये भीड़ जो है वो चिराग पासवान के समर्थन में ये भीड़ है और साफ कहना है कि चिराग जी के साथ हम लोग हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें बताएं। पूरे बिहार से ये अपील है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि आप किसके साथ हैं। अगर YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पे घंटी बजाइए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे बिहार का जो भी लोग हैं वो भी अपने प्रतिक्रिया हमें दर्ज करें। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।